आज हमारे देश की यह हालत है जिसकी कोई सीमा नहीं। खैर ये तो बात सही है कि जहां पति और पत्नी के विचार एक नहीं होते हैं, शादी करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि आखिर लड़का और लड़की की योग्यता क्या है। तो साथियों ऐसा ही हाल था एक दूसरे घर में, जो वो पढ़ी लिखी लेकिन लड़का जो था वो बिना पढ़ा लिखा था। तो एक दिन वो औरत जो थी अपने पति से कहने लगी, एक दिन बोली नार पिया से, एक दिन बोली नार पिया से, गांव तिहारो जरिहारो रोते पवारो रे धोर बछेरू, हमसे नहीं कटी है चारो। और समझाए कि बोली महाराज मैं हूं बड़े घरन की बिटिया, निकरी बाहर मैं नहीं आए, और नम नम जाबे नरम कलैया, आदत चकिया की नहीं। गहरे कुआ साठिया वालमो, गहरो कुआ साठिया वालम, ओ बढ़ा के जत नहीं, कुआ की बारन भरू तरैया, थर थर कापू मर सैया। इसलिए या तो घर में नल लगवा दो, या तो घर में नल लगवा दो, कहनो मेरो ना डारो, छोरी भजा बोजे गाय और बछड़ा, हमसे नहीं कटी है चारो। और कहा बोली गाड़ी भर के जाओ बजारे, बालम बेच आओ पिसिया, फिर दांत कमिसिया जरूर लाना, तेल चमेली की सिसिया, कड़ा छला नथनी बुलाक, कड़ा छला नथनी बुलाक, और गले का सोने की सुतिया, सुंदर धुतिया देहरादून की, कारी लटवारी चुटिया। तो सुन सुन बातें ये नारी की, तबै खसम ने ललकारो, उते धरो जे बीए की किताबे, ले हसिया काटो चारो, उते धरो जे बीए की किताबे, और किसान कहने लगा चलाए रही मो खा खा पिसिया, खाली कर दे तुई बंडा, फिर उठो मुचंडा, दाती दी सब तुई हाथन पकड़ो डंडा, और गुमक मार दो दई नार के, और ढीले कर दे भुजदंडा। तब कर कर बिनती कहे दुलारी, माफ करो अब ना मारो, उते धरो जे पोती पत्रा, तो चलो उठो काटो चारो, उते धरो जे पोती पत्रा, चलो उठो काटो चारो। दुई घंटा लो खिली दीवारी, नार फिरी लोटी लोटी, फिर पकड़ी सोटी, खूब घसोटी, कुचल दई बोटी बोटी, बिगड़ो रुआब उठा न सब उनको, पर गई बात सबई खोटी, फिर नार चपोटी, भई सूझ के करन लगी फुटला पोटी। उसके बाद राम शरण ना सुनी लड़ाई, अब लाख भात ना सुनी लड़ाई, तो बीच बिचौआ कर डारो, उते बाबा धोर बछेरू, ले हसिया काटो चारो, उते धरो जे बीए की किताबें, ले हसिया काटो चारो।
तो थी पढ़ी लिखी लड़की की बात, अब आ जाइए पढ़े लिखे लड़का की तरफ। कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था, शादी उसकी पढ़ी लिखी लड़की के साथ में हुई, मगर कि एक जने ने सुना मित्र एमए की शिक्षा पाई, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, तहजीब बात की नहीं आई। हुआ ये हर साल दई रिश्वत भारी, तब पास परीक्षा कर पाई, एमए देख के पढ़ी लिखी सुंदर नारी घर में आई। एक लड़के ने जब एमए किया तो एमए भी हर साल रिश्वत देने के बाद में कर पाया, पढ़ा लिखा जान करके उसके साथ में जब विवाह हुआ एक लड़की का, तो वो लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी। तो एक दिन वो लड़की अपने पति से कहने लगी, एक दिन पति से नारी बोली, तुम घर से कहीं न जाते हो, दिन रात सुबह और शाम यहां घुस घर में ही दिना बिताते हो। और समझाए कि बोली, तुम तो एमए पढ़े लिखे सर्विस कर धन नहीं लाते हो, चुनरी लहंगा साड़ी झंपर है जेब रात नहीं लाते हो। पढ़ी लिखी लड़की कहने लगी, तुम तो भाई एमए पास हो, तो कहीं जाओ शहर में और नौकरी करो, सर्विस करने के बाद धन लेकर के आओ, जो बढ़िया बिल्डिंगें बनवाओ, उसके बाद आनंद से हम और आप रहें। तो अब आप अंदाज लगाएं कि वो कितने पढ़े लिखे थे। तो बात करते हुए समझाने लगे, देखो घबराओ नहीं, मैं बाजार जा रहा हूं। और बोले कि मैं हूं पढ़ी लिखी इतना, जो घर से सरकार बुलावेगी, या अभी बाजार को जाता हूं, बढ़िया सी सर्विस लाऊंगी। अब लगाओ अंदाज कितने पढ़े लिखे थे, जो बोलने तक का तहजीब नहीं, इतने पढ़े लिखे और कहने लगे, फिर जेवरात साड़ी झंपर बढ़िया बिल्डिंग बनवाऊंगी, और डेक मेज पे धरो रहे कैसेट राठौर की लाऊंगी। जवाब दिया, ये कौन सी बड़ी बात है, अरे सर्विस वाली बात है ना। तो पहले तो बात ये है कि मैं तो एमए पढ़ा लिखा हूं, और घर से सरकार बुलाएगी, अगर सरकार नहीं बुलाएगी तो मैं घर से पैसे लेके जाता हूं और बाजार से सर्विस लेके अभी आता हूं। तो सोचने लगी, अब ये तो मालूम पड़ते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है कमार। खैर कोई बात नहीं, तो 5 रुपया उठाए और बाजार में पहुंचे, परचूनी की दुकान पठाड़ी भाई, और जवाब दो भैया 5 रुपया की हमें सर्विस दे दो। दुकानदार कहने लगा, पागल है क्या, अरे सर्विस क्या बेची जाती है, अरे काउ बड़े शहर में जाओ, और बड़े शहर में जाए के किसी बड़े आदमी के पास पहुंचो और नौकरी करो। वह तो सोचने लगे कि अब हम कहां जाएं कहां न जाएं। तो कछु रात को वक्त हो रहा है, सुबह ने हाथ में टॉर्च उठाई और रात में किबाड़ जब गलियन में सब लोगों ने बंद कर ले, तो अंधेरे में ढूंढ रही, नौकरी नहीं मिल रही, मैं तो एमए पढ़ा लिखा हूं भाई, मजाक तो नहीं कर रहा, मैं एमए पढ़ा लिखा, मुझे नौकरी दिखाई नहीं दे रही। तो एक पढ़ा लिखा आदमी आया और कहने लगा, क्या ढूंढ रहा है। जवाब दिया, कुछ नहीं सर, नौकरी ढूंढ रहा हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, नौकरी कहीं ऐसे मिलती है क्या, फिर कैसे मिलती है। जवाब दिया, किसी बड़े आदमी के पास जाओ, उसके यहां जाकर के मजदूरी करो। तो जवाब दिया, मजदूरी, हम मजदूरी क्यों करेंगे, हम तो एमए पढ़े लिखे हैं, तो तेरा नाम क्या है। तो जब नाम को नाव सुनवाने, सो एक हाथ कमर पर रखो
और एक हाथ सर पर रखो और धीरे धीरे कदम उचलन लगी और अपन नाम बताने लगे एमए पास आते सो का नाम बताओ कि हमारा नाम बागड़ बिल्ला है। हमारा नाम बागड़ बिल्ला है। हमारा नाम रुक जा बागड़ बिल्ला। बागड़ बिल्ला तेरा नाम? जवाब दिया हाँ मेरा नाम बागड़ बिल्ला है। बहुत सुंदर भाई बागड़ बिल्ला तो तुम्हारे बाप भी होंगे। कहने लगे हाँ बाप भी हैं। तो बाप का नाम क्या है? बाप का नाम पिता का नाम चाबी का छल्ला है। पिता का नाम चाबी का छल्ला है। पिता का नाम अमर चाबी का छल्ला यही तेरे बाप का नाम है? जवाब दिया हाँ सर। खैर कोई बात नहीं एमए पास हो ना? कहने लगे हाँ मैंने तो एमए किया है मैं कोई गमार तो नहीं हूं। जवाब दिया बाप भी है। शादी हो गई? कहने लगे हाँ शादी भी हो गई। तो उस लड़की का नाम क्या है? मेरी पत्नी का? हाँ बीवी का नाम साड़ी का पल्ला है। बीवी का नाम साड़ी का पल्ला है। आ भाई वाह क्या साड़ी का पल्ला है। बहुत सुंदर। बच्चे भी होंगे? कहने लगे हाँ सर बच्चे भी हैं। तो बच्चों का नाम क्या है? कहने लगा कि महाराज बच्चों का नाम कुतिया के पिल्ला है। बच्चों का नाम कहने लगा हमारा नाम बागड़ बिल्ला है। पिता का नाम चाबी का छल्ला है। बीवी का नाम साड़ी का पल्ला है। बच्चों का नाम कुतिया के पिल्ला है। बच्चों का नाम अमर कुतिया के पिल्ला। धिक्कार है तुम्हारे जैसे नकल से पास होने वाले नौजवानों को। धिक्कार है आज की नौजवान पीढ़ी को जो अपना लक्ष्य नहीं समझते कि मुझे क्या करना चाहिए। You are watching Sonodec Video.